ठीक है, तू करने का निकला ये बता। दीवान साहब की हवेली में डकैती का प्लान है कुत्ते। सात उचक्के की पूरी स्टार कास्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनमें हमें सबसे आगे देख रहे हैं मनोज वाजपेयी। सो मनोज, आर यू लीडिंग दिस सात उचक्के टीम? एक्चुअली विजय राज इज लीडिंग सिंस फ्यू डेज, सो टुडे ही इज फीलिंग टायर्ड, सो आई काइंड ऑफ यू नो मैं हेल्प कर रहा हूँ इनको, आज मैं हेल्प कर रहा हूँ इनको क्योंकि थोड़ी सी थकान हो गई है हमारे दिग्गज तिरछा को। हाँ, back onto the film. भीकू मात्रे से अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वो पप्पी जाट वाले का किरदार, सो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो समथिंग अबाउट योर किरदार। थोड़ा सा रिस्क ले लिया संजीव ने। पप्पी जाट वाला ये किरदार का नाम है, ये एक एंटीक बेचता है पुरानी दिल्ली में और अपने ज़माने का दादा वादा रहा हुआ है किसी अपनी गली का, और आज जो है इसके लेंटर लगे पड़े हैं क्योंकि ये एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की की माँ बड़ी डिमांडिंग है, उसके सारे बर्तन उर्तन बिक गए हैं उसके ख्वाहिशों को पूरा करते करते। अब वो कह रही है कि अब इस लड़की की शादी तेरे से तभी करूँगी जब तू सोने का हार ला के देगा और मुझे कुछ पैसे ला के देगा, नहीं तो मैं कोतवाल से शादी कर दूँगी जो कि के मेनन कर रहे हैं। अब भैंस की पूछ पांडू का किरदार अदिति से कितना मेल खाता है? ये कहीं से नहीं नहीं, हमारे डायरेक्टर सर ने जब मुझे सोना चूज किया फिर उन्होंने सोचा इसको थोड़ा सोना जैसा बनाऊं, फिर उन्होंने मुझ पर काम किया, बहुत सारे वो दिए गए थे कि इसको ये सिखाओ, इनको कहा गया था किसी को कुछ सिखाओ, तो सोना को अदिति को सोना जैसा बनाने में बहुत लोगों ने काम किया। और ऐसा नहीं है, दिस कैरेक्टर मुझे शुरू में लगा कि बहुत डिफरेंट है बहुत डिफरेंट, मैंने कभी ऐसा कोई कैरेक्टर किया नहीं है ऑन स्क्रीन, बट करते करते मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इतना भी डिफरेंट नहीं है मुझसे सोना। सोना थोड़ी सी अपॉर्चुनिटिस्ट है और तू झूठी, इतनी झूठी सोना बड़ी, मैं बताती हूँ जितने भी उचक्के हैं ना सबसे ज्यादा समझदार सोना ही है। बीच में जग्गी तिरछा, तुझे क्या लग रहा है तूने कोई एहसान किया है, इसीलिए तो लिया है तेरे को, इसीलिए तो रखा था कि जब कहीं हम फंस जाएं। देखो मतलब औरत का यही धर्म है कि जहाँ आदमी फंस जाए उसको बाजार से निकालना। तो जग्गी तिरछा का किरदार कुछ इसके बारे में बताया नहीं था, ये सीधी चाल टेढ़े तरीके से चलता है इसीलिए इसका नाम है जग्गी तिरछा, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी चाल वो कैसी चलता है, मतलब जो बात लगती है बहुत सीधी बट वो उसका अपना तरीका है उसको डील करने का। जहाँ ये फिल्म सेट है ना उसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, तो 3 साल तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है, इस फिल्म को तो पुरानी कैसे हो सकती है। बिल्कुल, ये फिल्म बिल्कुल पुरानी, लेकिन जाते जाते एक डायलॉग मनोज जी हमारे, ये तो वक्त की माँ बहन एक हो रखी है कि कुत्ते गंगा नहा रहे हैं और गधे आमलेट खा रहे हैं इसकी। बस 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 चलिए तो तैयार हो जाइए 14 अक्टूबर को हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं सात उचक्के। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।